वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सफेद रंग की बलगम आने की क्या वजह होती है, कौन सी बीमारियां सफेद रंग की बलगम आने की वजह जो वो बनती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, सफेद रंग की बलगम आने की वजह क्या होती है। सफेद रंग की बलगम की वजह जो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं वो ये हैं। सबसे पहली कंडीशन वायरल ब्रोंकाइटिस है। इंसान को ये कंडीशन जब सफेद रंग की बलगम से शुरू होती है और जब ये वायरल कंडीशन बढ़कर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाती है तो इसकी वजह से यही सफेद रंग की बलगम पीले रंग की बलगम नजर आती है या फिर हरे रंग की बलगम जो है वो नजर आती है, जो कि वायरल ब्रोंकाइटिस बीमारी के बढ़ने की अलामत में शामिल है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो यह है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो GERD होती है। ये एक क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक कंडीशन से मुराद ये है कि ये कंडीशन जो है वो काफी बढ़ चुकी होती है, जिसको आप लेट स्टेजेस कह सकते हैं या फिर इंसान लास्ट स्टेजेस की तरफ जा रहा होता है। ये कंडीशन जो है वो सीवियर हो चुकी होती है, शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है। ये क्रोनिक कंडीशन जो है इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निजाम-ए-हजम, खुराक को हजम करने वाले निजाम को जो है वो मुतासिर करती है। इस कंडीशन की वजह से थिक किस्म की बलगम जाहिर होती है, यानी ये सफेद रंग की थूक या बलगम जो है मोटी या सख्त जो है वो जाहिर होती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो COPD है। इस कंडीशन की वजह से इंसान की सांस की नाली जो है वो तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है। इसकी वजह से इंसान के फेफड़े बहुत ज्यादा तादाद में बलगम को जो है वो पैदा करते हैं। सांस की नाली के तंग होने और ज्यादा तादाद में बलगम की वजह से जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन की वजह से सफेद रंग की बलगम जो है इंसान में जाहिर होती है। नेक्स्ट जो कंडीशन जाहिर होती है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, यानी दिल का नकारा होना। ये कंडीशन इंसान को उस वक्त पैदा होती है जब इंसान का दिल खून को पूरे जिस्म में मुनासिब मकदार में पंप नहीं कर पाता है। इसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी बनना शुरू हो जाता है, फ्लूइड पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एडमा की कंडीशन जो है वो इंसान के लिए पैदा हो जाती है। इस कंडीशन की वजह से फेफड़ों में पानी जो है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से सफेद रंग का थूक या बलगम जो है वो तादाद में बढ़ जाती है, यानी ज्यादा बलगम जो है वो जाहिर होती है। इस कंडीशन की मजीद अलामत में सांस लेने में मुश्किल पेश आती है और इस कंडीशन की सूरत में अगर आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आए तो आपको फौरी मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत होती है, यानी अपना चेकअप जो है वो लाजमी करवाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रही हो, मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।